नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल मैं आप जानते हो कि सेल्स ऑफिसर एस के लिए प्राइमरी सेल्स टारगेट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज वॉट सेल्स इज एक्चुअली डिस्कस करूंगा डिटेल में बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स क्या होता है जस्ट इन ब्रीफ अगर इन केस यू डोंट नो और यू न्यू टू दिस चैनल और न्यू टू एफ सेल्स इसीलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लूंगा प्राइमरी सेल्स इज द सेल्स डन फ्रॉम द कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल और डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल्स अगर आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एफ में और डिटेल में जानना है तो आप एक दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है नाउ दैट यू नो व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्राइमरी टारगेट आप कैसे अचीव करोगे दैट इज कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स देखिए इसके लिए देर आर फाइव इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कभी कभी क्या होता है मैंने ये खुद देखा है कि सेल्स ऑफिसर ए एस एम बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के पास अच्छा दे दीजिए ना थोड़ा प्राइमरी कर लीजिए ना आपका टारगेट है अच्छा बना दीजिए चेक या बना दीजिए डी डी तो ये कंटिन्यूसली उसको बोलना पड़ता है और मंथन में जाके डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठना पड़ता है और ये कंटिन्यूसली ये डिस्कशन नेगोशिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर ना बोल रहा है ये बोल रहा है कर लो इस टाइप का डिस्कशन चलता रहता है सो व्हाट आई फील इज दैट यू नो मे बी इट इज माय ओपिनियन दैट वी कैन अवॉइड इट अब बहुत आप सारे जो ऐसे बोलोगे कि नहीं नहीं कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये तो होता ही है डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आराम से बिलिंग कर ले आई कैन अंडरस्टैंड दैट देर इज़ प्रेशर कंपनीज का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है थोड़ा प्रेशर रहता है उस सिचुएशन मंत्र में बट फ यू प्लान वेल मेरा अभी ध्यान से बात सुनिएगा इफ यू प्लान वेल एंड अंडरस्टैंड इंफ्लुएंसिंग फैक्टर्स देन प्रोबली यू कैन अचीव वॉट यू वो पांच इंफ्लुएंसिंग फैक्टर्स होता है फाइव इंफ्लुएंसिंग फैक्टर्स प्राइमरी सेल्स लेट एस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज इन डिटेल और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उसमें हमें हमारा क्या रोल है कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इज द क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक मतलब जब आप बिलिंग करा रहे हो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में कितना स्टॉक गोडाउन में फिजिकली पड़ा हुआ है नाउ इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज वेरी हाई तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा देखिए इतना स्टॉक पड़ा हुआ है मैं कैसे और बिलिंग कराऊं आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया सो सिंस द प्रॉबली द सेल्स ऑफिसर देयर हैज़ नॉट प्रॉब्ली चेक द क्लोजिंग स्टॉक वीक बाई वीक बाई वीक हर वीक अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को चेक करोगे और मॉनिटर करोगे और उसको लिक्विडेट करने के लिए आप प्रयास करोगे कोशिश करके उसको आप कम कर दोगे तो देन डेफिनेटली द डिस्ट्रीब्यूटर विल अग्री टू द प्राइमरी मच मोर इजीली सो क्लोजिंग स्टॉक इज लिंक टू वाट सेकेंडरी सेल्स तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया सो so, अगर आप सेकेंडरी सेल्स अच्छे से करो लेकिन मैंने कुछ कुछ एस एम का फोकस देखा है कि प्राइमरी कर लो डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक दे दो उसके बाद कहाँ पर सेकेंडरी हो रहा है उसको मॉनिटर करना है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है कोई क्लू नहीं है दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली बस क्लोजिंग हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग कर दिया तो हमारा काम खत्म सो दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ माइंड आपको देखना पड़ेगा सेकेंडरी अच्छे से हो रहा है अगर सेकेंडरी अच्छे से हो रहा है तो प्राइमरी तो होना ही होना है थर्ड जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करता है कि आउटस्टैंडिंग मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है पेमेंट नहीं आ रहा है क्रेडिट uh, दिया है लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है तो इसीलिए मैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो इसीलिए मैं अभी नहीं कर पाऊंगा कुड बी अ वैलिड रीजन कि मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है उसके पास पैसा नहीं है Now, ये जो कलेक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द पेमेंट द डिस्ट्रीब्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द पेमेंट इन मोस्ट केसेस एंड इन आई हैव सीन इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही है कि वो पेमेंट कलेक्ट करके लाए इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होता है बट वट आई सजेस्ट इज दैट इट इज़ माई सजेशन जो मैं कुछ कुछ जगह में इंप्लीमेंट करके मैं देखा हूँ कि इट इज वर्किंग टू सम भले ही उसका कलेक्शन uh, ना कर रहे हो बट कीप अ ट्रैक ऑफ इज कैश फ्लो उसको एडुकेट कीजिए उसको ट्रेन कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को अवेयर कीजिए कि देखिए इस टाइप के दुकानों में आपका क्रेडिट फंस रहा है ज़्यादा आपका जा रहा है यू शुड प्रोएक्टिवली डू समथिंग आप जाओ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी क्या होता है मार्केट में उतना जाते नहीं हैं उनका बड़े रिटेलर से बात नहीं हो रहा है कभी बहुत दिन हो गया है वहाँ पर पैसा फंसा हुआ है एंड देन uh, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है तो अगर आप प्रोएक्टिवली उनको बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप जाओ और उनसे अभी बात करो अभी मंथ का पंद्रह तारीख है बीस तारीख है अभी जाकर उनसे बात करो क्योंकि मंथ एंड हो जाएगा फिर वो पैसा शायद आपको अगले मंथ में मिले तो हमारा प्राइमरी उसके लिए अफेक्टेड होगा सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दो रिटेलर्स होम यू वांट दैट दैट द डिस्ट्रीब्यूटर शुड गो एंड मीट पर्सनली एंड गेट द पेमेंट डन क्योंकि वहां पे कुछ दिक्कत हो रहा है पेमेंट आने में प्रोएक्टिवली आप हाईलाइट करो प्रोएक्टिवली और डिस्ट्रीब्यूटर को बताओ एंड एनश्योर दैट द मनी कम्स अगर आप कहीं पर कुछ हेल्प कर सकते हो एज अ सेल्स ऑफिसर एज एम प्लीज गो हेड एंड डू दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कुड बी दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई द डिस्ट्रीब्यूटर विल से कि आई विल नॉट डू प्राइमरी क्योंकि अपने क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है सो कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो और यह भी हो सकता है कभी कभी कि क्लेम सेटलमेंट होने में देर हो रहा है दैट इज दैट कूड भी अना द रीजन अगर क्लेम आने में देर हो गया तो उसके वजह से भी उसका कैश फ्लो अटक गया सो एज अ ए एस एम एंड एस ओ यू शूड एनश्योर कि उसका क्लेम जल्दी से प्रोसेस हो जाए और टाइमली उसको पैसा मिल जाए देट बिकॉज दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट प्राइमरी द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपनीज सपोर्ट देखिए अगर कंपनीज कंपनी सपोर्ट इज देर सपोज वहां पर क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा ज्यादा भी है बट डिस्ट्रीब्यूटर मना कर रहा है बट द कंपनी हेज प्लान समथिंग फॉर द कमिंग मंथ कंपनी सोच रहा है कि हम बड़ा एड देंगे कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च का सोच के रखा है कुछ बड़ा कैंपेन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सोच के रखा है ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अप नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ सो इन दैट केस यू कैन हाईलाइट टू द डिस्ट्रीब्यूटर दैट सी ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अप नेक्स्ट मंथ तो अभी आप अच्छे से प्राइमरी करो क्योंकि डिमांड आने वाला है next month huge demand will come because these are the five things that the company is doing so company support agar hai definitely our ho visibility is company of the window hiring socha hai acha shop board dene ka socha hai paisa company plan in the next month and if that happens then definitely there will be an increase in demand and to meet the demand the distributor should keep the stock so that is point number 4 and point number 5 is distributor support देखिए मैंने बहुत बड़ी ये देखा है कि सेल्स ऑफिसर से बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर उनसे बात नहीं कर रहा है ठीक से सपोर्ट नहीं दे रहा है तो इसके इसका एक दो वजह हो सकता है देखिए नंबर वन कूड भी कि योर कंपनी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर इसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है विच यू कैन चेकआउट नीचे आपको लिंक मिलेगा दैट योर कंपनी इज टू स्मॉल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के जो टोटल टर्नओवर हो सकता है आप पांच दस परसेंट या पंद्रह परसेंट कंट्रीब्यूट करते हो विच इज इनसिग्निफिकेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर सो ही इज नॉट गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस तो पहले तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाना है जहां पर थोड़ा आप बोल सको नंबर टू इज दैट आर यू प्रोएक्टिवली सॉल्विंग रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर आर यू इंटरेक्टिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटर ओनली ऑन मंथ एंड फॉर प्राइमरी या बीच में भी आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉब्लम समझ रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड कर रहे हो ट्रेन कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर का इश्यूज को लेके डिस्कस कर रहे हो सल्यूशन दे रहे हो अगर यह हो रहा है तो देन डेफिनेटली यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर इवन ऑन अ वेरी टाइट काइंड ऑफ अ मंथन जहाँ पर आपको प्राइमरी ज़्यादा करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट लेने के लिए भी आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा फाइव so पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है इन में से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो क्विक रेजोल्यूशन है जो क्विकली आपको हो जाएगा जो बहुत uh, मतलब क्विक फिक्स टाइप का सोल्यूशन है यहां पे जो भी है विच इज लॉन्ग टर्म विच अंटिन्यूस एफर्ट विच अ मोर डिसिप्लिन अप्रोच इसी के जरिए आप अपना प्राइमरी टारगेट अचीव कर सकते हो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई विल बी है मोर वीडियोस। थैंक यू